वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहर हर्षु शर्मा एनसीईआरटी पटन पर है और अध्याय पर चल रहा है समाकलन, मतलब अध्याय नंबर 7 है इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.B की। मैंने 7.B की आप लोगों को कल क्वेश्चन अपलोड किए थे 18 नंबर तक, आप प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके सामने लिखे हुए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से बताए जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक फार्मूले आप लोगों को थोड़े से याद होने चाहिए और थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना होता है पहले, उसके बाद अगर डायरेक्ट समाकलन पता है तो उसका डायरेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं पता है थोड़ा उसको हम बना लेते हैं, बस इतना ही काम करना होता है। तो यही चीज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। एसएमएस के थ्रू आपको तुरंत टाइमिंग आपको थोड़ा डिसाइड भी हो गई है तो आपको टाइमिंग के अनुसार ही आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 लिखा हुआ है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं 2 - 3 साइन एक्स बटे कॉस कर एक्स, हम इसका डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं पता है तो हम इसको थोड़ा सा बना लेंगे, तजुर्ज कर लेंगे, 2 बटे हो जाएगा हमारे पास कॉस कर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स बटे कॉस कर एक्स डी एक्स। देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बटे का हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बार आ जाएगा साइन अपान एक, एक साइन अपान कॉस हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 10x, एक हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास sec x dx हो जाएगा। फिर बचेगा 2 sec² x का हमें समाकलन पता है क्या होता है हमारे पास 10x होता है माइनस 3 10x into sec x का होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ sec x प्लस का c। ये देखिए आपके पास आंसर आ गया, कितना आसान सवाल है आप लोग देख सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी हमें डायरेक्ट नहीं पता है लेकिन हम इसको बना लेंगे, क्या करेंगे 2/3 हमें कॉमन मिल जाएगा जो हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये हो गया। अब इसके आगे करेंगे 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन एक तो हो जाएगा हमारे पास कॉट एक्स, ठीक है आप लोग को पता है, और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारे पास कॉसेक एक्स और ये हो जाएंगे डी एक्स, ठीक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अभी हो जाएगा 2/3 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है हमारा माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक और ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस सी, माइनस का बाहर कर देंगे तो 2/3 कॉसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी हमारे पास आंसर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं आपको 21 और 22 नंबर, बहुत ही आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। साइड में हो गए हैं आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर देख लीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर पॉज कर लीजिएगा, ऐसे आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन आगे लिखा आपके पास बुक होगी तो आप लोग देख सकते हैं, एक्स पावर 4+1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स साइन एक्स बटे 1 माइनस का साइन एक्स, ये लिखा हुआ है आपके पास सवाल, नोट कर चुके होंगे और इसको मैनेज कर रहे हैं। अब आगे आप लिखेंगे सवाल नंबर 21, बहुत ही लाजवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 21, मजा आएगा आपको करने में। लिखा है एक्स पावर 4+1 बटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, जो आपके पास 22 नंबर में लिख देते हैं आपको आसानी रहेगी लगाने में, बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा हमको। देखा साइन एक्स बटी 1 माइनस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बटी 1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स, अगर आपको जे आ रहा है तो जे वाला लगाइए, जे नहीं आ रहा है तो जे वाला देखिए, आप हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम क्या थोड़ा सा बनाएंगे, इसका डायरेक्ट हमें समाकलन नहीं पता, अंश वर्ग का समाकलन का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम तो क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको अगर भाग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये हो जाएंगे माइनस के 2/3 हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हम डी एक्स, ऐसे इसको हमने
बना लिया। देखिए कैसे बनाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका पे गुणा कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू हो जाएंगे माइनस वन हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए ये हमारा क्या ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, एक्स पावर फोर माइनस वन, अजय हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस आएगा तभी तो हम दोनों से कम करेंगे, एक्स पावर फोर प्लस वन बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसे आप लोगों को ये थोड़ा सा बस अपना थोड़ा सा दिमाग चला के थोड़ा सा बस दो से चार स्टेप आपको इस सवाल में आगे थोड़ा सोच लेना था, बस वही सवाल हो गया। ठीक, तो अब इसके आगे आप लोगों को बताते हैं, अब इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी आसान है। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन जो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जो कॉन्स्टेंट वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखो इसको अंदर और कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स प्लस दो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सबका कर लेंगे आ जाएंगे एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस दो इंटू में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस हो गया हमारे पास आंसर। अब देखते हैं आगे आगे लिखा है ये। अब देखिए ये हमारे पास सवाल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है। इसका हम देखो अलग अलग भी करेंगे, अगर इसके बटे में होता तो अलग कर लेते हमें आंसर आ जाता, लेकिन ये नहीं, तो इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे किसका, साइन एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ अपोजिट साइन से गुणा कर लेंगे, वन प्लस साइन एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यह रहेगा साइन एक्स तुम्हारा इसे रहेगा वन प्लस का साइन एक्स भी रहेगा, नीचे आ जाएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास, इसका अंदर गुणा कर देंगे साइन एक्स प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास जगह है इसको डिसिम्प्लाई कर ये कर लेंगे, नीचे में जगह मिल नहीं पाएगी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसको डी एक्स कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दिया जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टेन एक्स हो जाएगा और एक हमारा वन अपॉन कॉस बचेगा क्या हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। मतलब इसको ओपन ऐसे करते हैं, आप लोग देख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर लिखिए तो कॉस कॉस दो बार लिखिए, एक बार कॉस जी बन गया एक बार इसके टेन बन आ गया, ये हो जाएगा एक बार हमारे पास टेन एक्स और एक बार हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स हो गया। वही चीज यहाँ पे करना प्लस जो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएंगे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास समाकलन नहीं पता है तो टेन स्क्वायर एक्स को ओपन कर लेंगे, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ जो जाएंगे टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है टेन एक्स होता है, तो जो जाएंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है हमारे पास सेक एक्स प्लस जो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस आ गया आपके पास आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया 22 नंबर, कितना आसान था क्वेश्चन, आप लोग लगा सकते हैं इसको बहुत ही आसानी के साथ साथ। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 23, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो, आप लोग इसको लगाइए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, जब तक लिए यहाँ से साइड हो जाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, अब इसके आगे आपको बताते हैं। अगर ये क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास 23 नंबर,
इस नंबर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos qx प्लस 2 sin qx बटी है हमारे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू में तो 2 sin स्क्वायर x ये लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx। अभी देखिए जो 23 नंबर इसी में बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, जाएंगे 5 cos qx बटे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, अभी नहीं अब करेंगे प्लस, ये जाएंगे 2 sin qx बटे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ये जाएंगे 5 cos क्यूब से स्क्वायर जी कट जाएंगे हमारे पास, तो बचेगा 5 cos x बटे हो जाएंगे 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 से 2 भी कट जाएगा, क्यूब से स्क्वायर जी कट जाएगा तो बचेंगे sin x बटे बच जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x dx जी हो जाएगा। अब अलग कर लेंगे तो ये जाएंगे 5 बटे 2 cos अपान 1 sin क्या हो जाएगा हमारे पास cot x, 1 हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस जो जाएंगे हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास 10 एक्स इंटू में आ जाएगा हमारे पास sec x, ये हो गया dx। इसके बाद एक स्टेप और मिल जाएगी हमको क्या, यहाँ 5 बटे 2 बार कर देंगे बचेंगे हमारे पास cot x इंटू में cosec x dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारे पास 10 एक्स इंटू में sec x dx। अब इसके बाद हमें आंसर मिलेगा cot x इंटू cosec x क्या होता है हमारे पास माइनस का cosec x 5 के 2 cosec x प्लस 10 x और sec x का समाकलन क्या होता है आपको पता है हमारे पास, आप लोगों ने फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे, ये होता है sec x। हमारे पास आंसर आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 23 का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दो क्वेश्चन बचे, इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी आप लोगों को लगाने के लिए। हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, इधर टाइम बहुत है आपके लिए। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस का ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का बी, ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है, अब इसको हल करना है, सॉल्यूशन कर लेंगे हम, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे हम रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी इंटू में आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी ये हो जाएगा डी एक्स हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और कर लेंगे, जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस का बी हो जाएंगे डी एक्स, ये देखो ए ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो ये जाएंगे रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से जो वाली कर्ली कट जाएगी हमारे पास तो ये जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस का ए माइनस के अंदर गुणा कर देंगे माइनस एक्स अब ये हो जाएंगे माइनस का बी डी एक्स हो गया। अब इसके आगे आप लोगों को एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स से एक्स कट जाएगा बचेंगे ए माइनस का बी ये हो जाएगा डी एक्स आपके पास। अब इसके आगे देखते हैं, आगे हम क्या लिखा है वन अपॉन ए माइनस बी हमें कौन मिल जाएगा बाहर कर देंगे इसको और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको ये कर सकते हैं वन अपॉन ए माइनस का बी अब आ जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर ए तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की पावर आ जाएगा वन बाई टू डी एक्स, आप ऐसा लिख सकते हैं
क्योंकि हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं, एक एक स्टेप आपको बताई जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने की। दिया जाएगा वन अपान ए माइनस का बी, एक्स प्लस ए दिया जाएगा, एक्स प्लस ए की पावर ये हो जाएगी वन बाई टू प्लस वन बटे वन बाई टू प्लस वन। फिर से अब आ जाएगा माइनस, दिया जाएगा एक्स प्लस बी की पावर, एक्स की पावर एन प्लस वन होता है वन बाई टू एन प्लस वन प्लस का सी, वन अपान ए माइनस का बी आज हो जाएंगे हमारे यक्स प्लस ए की पावर तीन बटे दो बटे आ जाएगा तीन बटे दो, माइनस एक्स प्लस बी की पावर हो जाएगा तीन बटे दो बटे हो जाएगा तीन बटे दो प्लस बी। अब पावर का खेल ऊपर नीचे कर देंगे तो ए माइनस का बी देखेंगे दो बटे तीन, एक्स प्लस ए की पावर तीन बटे दो आ जाएगा, माइनस दो बटे तीन एक्स प्लस बी की पावर तीन बटे दो प्लस सी, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से दो बटे तीन भी कॉमन आपको मिला होगा, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समान मान दिया है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 6 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, 6 नंबर तो आप लोगों को कितने आसान है 6 नंबर क्वेश्चन देख के आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 24, अब बताते हैं आपको 25 नंबर, आप लोग इसको नोट कीजिए, 20 सेकंड का आपके पास समय। हो गया होगा, अब आपको बताते हैं 25 नंबर सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आप लोग देखते भी रहिए साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही आप लोगों को अच्छा कंटेंट और बहुत ही सिंपल वे में आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। मैथ को भी एंट्री क्वेश्चन में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप लोग क्या हमारे लिए इतना कीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना है, सिर्फ इतनी ही आप लोगों को मैं फीस देना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, साइंस आर्ट एक्स लिखा हुआ है, एंट्री क्वेश्चन आप साइन की पावर आठ एक्स माइनस कॉस की पावर आठ एक्स बटे वन माइनस कर टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स आपके पास सवाल लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, आप लोगों को बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज लीजिएगा, हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन की पावर आठ एक्स माइनस कॉस की पावर आठ एक्स, इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपके पास फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक तो हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा लीजिए सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और ये जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये वाला मान में यहाँ रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये जाएगा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, टोटल बटिया जाएगा वन माइनस का दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा थ्री एक्स, ये से निकट जाएगा तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बच जाएगा आपके पास। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके आगे आप लोगों को बहुत आसानी के साथ करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप जानते हैं, बताइए हमको कैसे किए गए, इसके आगे आप लोगों को बताते हैं।
ये लिखा होता है इसके माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो होता है हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टू एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन हमारे पास क्या होता है माइनस का साइन टू एक्स और दो एक्स का फिर से क्या करते हैं हम अवकलन, अवकलन करने के बाद इसमें क्या एक्स दो से भाग कर देंगे तो प्लस का सी। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, आंसर आ गया आपके पास 25 नंबर। तो एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो गई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देते हैं उसके बाद आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं। नोट कर चुके होंगे, नोट करने से के बाद आप लोगों को क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि आपको नया जो नई एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो से बताई जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट कंटेंट वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, साथ साथ आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपके साथ भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, ठीक। अब आप लोगों से नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नए तरीके से और नई एक्सरसाइज में, ठीक है, बाय बाय।